इतनी भीड़? सृष्टि, इतनी भीड़ में तूने सारा सामान बेचारे शिखर को पकड़ा दिया, अब कैसे हैंडल करेगा वो? एक बार हालत देख ले उसकी। दी, इतनी बॉडी शॉडी बनाई है उसने, वो किस दिन काम आएगी? और जहाँ तक के भीड़ का सवाल है, मैं हूँ ना। अरे शिखर, कितना स्लो चलते हो यार। चल रहा हूँ ना। अरे ट्रेन आ चुकी है ऑलरेडी। इतनी भीड़? मैंने कहा ना कि मैं हूँ ना, टेंशन मत लो, चलो। सुनिए सुनिए, साइड हट जाइए प्लीज। सुनिए सुनिए सुनिए, ये बंदा बहुत इमरजेंसी में। अरे बेचारा मोहब्बत का मारा, इसी गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर जा रही है। आंटी, आपको दीपिका रणवीर का वास्ता, अंकल आपको मीरा अनुष्का का वास्ता, प्लीज साइड हट जाइए, इसे इसका इश्क बुला रहा है। शिखर चलो चलो, आओ जल्दी आओ। यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन इस ट्रेन में कैसे घुसेंगे? जिम में इतने सारे वेट्स उठा लेते हो, इतनी सी भीड़ को नहीं हटा सकते तुम। मुझे कुछ करना होगा, क्या करूं? अंकल, आपको फोन शायद पीछे गिर गया, जल्दी जाके देखो वो कोई उठा लेगा। आंटी, आपके पर्स में ना वो आदमी हाथ आ गया था। अरे ये टिकट किसकी गिरी है, उठा लो, वरना टीसी पकड़ लेगा। इधर टीन, अरे चलो, बीच बीच में कॉल करती रहना, खाना टाइम से खाना, अब ज्यादा बाहर मत घूमना, बाय। दीदी, अपनी सीट नंबर क्या है? 1920 विंडो सीट दीदी। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये हमारी सीट है। अयो मैडम, ये हमारा सीट जी, हम यहाँ पहले से बैठा है जी। ओ मिस्टर, अपने तशरीफ का टोकरा ना इस सीट से हटाओ, वरना वो देख रहे हो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, पुणे का हैवीवेट चैंपियन है। अगर उसे गुस्सा आ गया ना, तो उंगली पे उठा के ऐसा गोल गोल घुमाएगा, इसी तरह टिम्बकटू पहुंच जाओगे। अयो चलो जी, आइए आइए, बैठिए जल्दी। सारा सामान यहाँ फिक्स करते हैं। थैंक यू। क्यों? क्योंकि तुमने मान लिया ना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। बताना नहीं चाहती थी, पर अब तो। अच्छा सुनो, वहाँ जाके मुझे कॉल करोगी ना? शिखर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन एक बात समझना कि सृष्टि तुम्हें कभी कॉल नहीं करेगी, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रही। अब तुम घर जाओ प्लीज। वाह, अपनी बेटी की सगाई पर क्या एंट्री मारी आप, फुल टू नशे में धुत। देखा दीदी, बाहर जाने का तो इनका सिर्फ एक बहाना था, असल में इन्हें दो चार पैक जो चढ़ाने थे। गॉड अमेजिंग, अपनी बेटी के खातिर एक दिन भी शराब नहीं छोड़ सकते ना आप। मेहमानों से अब ऐसे मिलेंगे, कैसे हैंडल करेंगे सारा फंक्शन? सब हो जाएगा ठीक से। ओ कम ऑन दी, आप कब तक इनकी कमजोरी पर पर्दा डालते रहोगे? तो डॉक्टर है, आपको तो पता है कि शराब पीने से क्या असर होता है, फिर भी आप पापा को उनकी मनमानियां करने देती हो। नहीं करने देती हूँ मनमानियां, लेकिन अब क्यों पापा, आज के दिन क्यों? जो लड़का आपने मेरे लिए पसंद किया, उसी से शादी करने जा रही हूँ ना, फिर भी सगाई के दिन इस तरह नशे में धुत कर आए? मैं तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहता, सफाई भी नहीं देना चाहता। एक मिनट, आप क्या छुपा रहे? नहीं कुछ नहीं, मुझे देखना है। नहीं, मुझे देखना है क्या छुपा रहे? नहीं, मैं तुम्हें नहीं देखना। देखना है? नहीं, जाने दो ना। ठीक है, मत दिखाइए। वैसे भी मुझे पता है कि क्या होगा, शराब की बोतल ही होगी ना, सारे रिश्तों से बढ़कर इनके लिए सिर्फ शराब का ही रिश्ता है। चुप हो जाओ, चुप। शराब ही, मैं नहीं समझता कि तुम लोगों का इसको देखना जरूरी। हाँ तो मुझे देखने में इंटरेस्ट भी नहीं है। गॉड सृष्टि, पापा प्लीज, आज के दिन बहसबाजी करनी जरूरी है। ओके फाइन, तो आप ही बात कर लीजिए ना इनसे, ऐसे आदमी को हैंडल करना मेरे बस की तो बात नहीं है। दी, लड़के वाले आ गई। दी, सुना, लड़के वाले आ गए? जाओ श्रुति, मेहमानों को संभालो, मैं पापा का मुंह हाथ धुलवा के। ठीक है, लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई, सगाई के बाद मैं फिर बोलूंगी जो मुझे बोलना है, और आप मुझे नहीं रोकोगे। इसमें मैंने हमारी माँ को पता रख दिया। कमाल करते आप, कल तक हमारी कोई मामा नहीं थी, और आज ये सब। आई एम सॉरी, मैं नहीं मानती सब चीज को। नहीं बेटा, नहीं, इज्जत नहीं करते बेटा, ये सच्चाई है कि वो तुम्हारी माँ है।
मैं नहीं, तुम दोनों बच्चियों को तुम्हारी माँ से दूर कर दिया था। पापा, मैं नहीं चाहता था कि ये बात तुम्हें कभी पता लगे, लेकिन अब तुम दोनों को अपनी माँ के पास चले जाना चाहिए। इसी में तुम दोनों की भलाई है। घर भेज दो, घर भेज के जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से तुम्हारा गुजारा चल जाएगा। प्रीता, मुझे वादा करो कि तुम अपनी माँ से मिलो। वादा करो। एड्रेस, आई होप हम यहाँ नहीं जा रहे। हाँ सृष्टि, पापा ने नंबर और एड्रेस तो दिया, लेकिन पता नहीं ये माँ कैसी माँ होगी। हाँ, जिन्होंने अपने बच्चों को कभी पलट कर भी नहीं देखा। करेक्ट, मुझे भी नहीं जाना इनसे मिलने। गुड। लेकिन मैंने तो पापा को प्रॉमिस किया है और ये उनकी आखिरी इच्छा थी, इसीलिए मुझे सृष्टि को धीरे धीरे इसे लेकिन समझाना होगा कि हम कम से कम एक बार हमारी माँ से मिले। उन्हें ये बताने के लिए ही सही कि हम उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते। क्या अभी ये लड़कियां कौन है? रॉक्सा दादी, ये है पी और ये है जी, मेरा मतलब पीजी। आंटी जी, आपने कहा था ना मुझसे कि आपको इस घर के लिए लड़कियां चाहिए थी पीजी के तौर पर, तो बस आपके सामने पीजी। हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन इतनी रात को ये लड़कियां मिली कहाँ तुम्हें? सड़क पे, मेरा मतलब इसी तरह सड़क पर अपना बोरिया बिस्तर लेकर घूम रही थी और अभी अभी मुंबई आई है। रहने के लिए कोई घर नहीं है, मुसीबत में थी तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर ले आता हूँ। वो क्या है, मुझे लगा कि आप दोनों की जो जरूरतें हैं वो मैच करती ना, तो मैं ले आया। कुछ अच्छा किया ना? लोग ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि तुम रॉक स्टार हो। अरे, तुम सोचते भी रॉक स्टार की तरह हो। एकदम सही किया। थैंक यू दादी। कहाँ से हो आप लोग और मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? अगर घूमने आए हो तो आने से पहले किसी रिश्तेदार का पता तो होगा, काम से आए तो। माता जी बस करो, हमने तो सवालों की बौछारी कर दी, देखती नहीं उनकी हालत, थकी टूटी। इनको अंदर ले जा, जरा मुँह धुलवा दे, कुछ खिला दे पिला दे, सुबह उठेंगी तब जितने सवाल करने कर लियो। वाह क्या बात है। आंटी जी, अगर आपके घर में ऐसी पारखी नजर वाली दादी जी हो तो इंटरव्यू की क्या जरूरत है ना, है ना? नहीं, वो एक्चुअली मेरा मतलब है कि दादी जी तो दो मिनट में बता देगी कि हम अच्छे घर की अच्छी लड़कियां हैं। अगर तुम मुझे मक्खन लगाने की कोशिश कर रही थी तो बिल्कुल ठीक कर रही थी, मेरी तेरी हुक पटेगी। पीजी की बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। मैं तुम्हें वो कमरा दिखा देती हूँ जहाँ तुम लोग ठहरोगे। रात बहुत हो गई है, थोड़ा आराम कर लो। चल आ जा, चल भाई। जानकी, पानी का क्या गिलास लेके बैठी, जल्दी से वो लेके आ। अरे जानकी, मैं केला तो खिला दो। कब सिरप ला।